मिठाई खुलाओ लक्ष्मी नाथ बाबा की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। अरे ये गेट का पूरा लग गई फटू पूरी आ गई ये कम मर्जी की था। अरे चला नहीं चुप हो नहीं तो मजाक बजी ये भी चिल्ली मम्मी अरे ए ये भगवान मत एक बार जो हाथ लगाया था टीको काटने की एक्टिंग करो बस हो गो टीको का दो ताऊ जी फोटो हां जी हां बिल्कुल गड़ा मिलना की एक हिसाब से पापा के दम गड़ा मिलना मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है जी। तो इसमें मेरे ये फर्स्ट इंटरव्यू मेरा है, तो पहले दो अटेम्प्ट मेरे सफलता में नहीं मिली थी मुझे। तो मेरे दादाजी ने इंस्पिरेशन से, उनका एक ड्रीम था, तो मैंने और फिर वापस से मेहनत की, थोड़ा सा चेंजेस किए स्ट्रेटेजी में, और उसकी वजह से मुझे सफलता मिली। आईएससी क्यों चुना फिर? तो मैंने पहले सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम दी। तो इसमें सबसे मेन डिफरेंस ये है कि सीए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, कि सिविल सर्विसेज में जो एरिया ऑफ वर्क है वो बहुत ज़्यादा वाइड है देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो उसके वजह से मैंने इसको चुना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने साल का समय लगा हुआ आपको? मुझे 3 साल लगे, तीसरा अटैम्प्ट था मेरा। और इसमें क्या होता है कि सीए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 1 साल पूरी एग्ज़ाम लगती है, उससे पहले आपको 1 साल प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर अब मेरा जैसे अटैम्प्ट लग गया तो मुझे 1 साल और ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ा। तो 3 साल आपको प्रिपेयर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जरूरी होता है। तो सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहोगे? तो सबसे पहले तो जैसे अपने ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी वो मेरे इष्ट देव है। उसके बाद मेरे फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा हुआ है मेरे साथ, तो जो दादाजी दादाजी, फिर जॉइंट फैमिली है, तो चाचा चाची भी है, ताऊ जी भी है, पापा मम्मी भी है, फिर मेरा बड़ा भाई रजत किशन और मेरी बहनें भी है, उन सबका मेरा बहुत सपोर्ट मिला। वो भी एक बड़ा पिलर है टू सक्सेस इन यूपीएफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आईएएस के लिए आपने आईएएस को चुना, इसके लिए आपने घर पर रहकर स्टडी किया या फिर कोचिंग करने का भी? तो मैंने 1 साल दिल्ली गया था मैं, बट वहाँ पे मैंने सेल्फ स्टडी करी, वहाँ पे इसलिए रहा था मैं जिसे मुझे एग्जाम को समझ पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होते हैं। तो 1 साल मैं वहाँ पे दिल्ली था, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड था, बट उस टाइम पे मैंने घर पे रह के पढ़ाई की। और फिर मैंने अभी जैसे इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के लिए वापस दिल्ली गया था, क्योंकि दिल्ली में इंटरव्यू होता है फाइनली। तो ये मेरा प्रोसेस है, 3 साल की जर्नी है। तो आप प्रॉपरली आईएएस बन जाओगे तो लोगों के लिए क्या करना पसंद करोगे? तो अभी जैसे सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है, तो अभी तक कह नहीं सकते कि क्या मिलने वाला है, बट जो भी ड्यूटी दी जाएगी मुझे एज ए सिविल सर्वेंट, तो वो मैं ट्राई करूँगा कि पूरा एफर्ट डाल के उसको कम्प्लीट तरीके से कम्प्लीट कर पाऊँ, अच्छे से उसको जनता तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ। घर परिवार में कैसा माहौल आई बनने के बाद? बहुत ज़्यादा खुशी है, तो ये बहुत प्राउड का मोमेंट है मेरे लिए। थैंक यू।